हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएबीएससी सेकंड ईयर की बुक स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ये सोचा था कि चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास कर्व्स इन स्पेस, उसके सिर्फ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 8.1 लास्ट वीडियो में हमने कर ली थी, अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। फाइंड द यूनिट टेंजेंट टू द सर्कुलर हेलिक्स आर इज इक्वल्स टू ए कॉस टी ए साइन टी बी टी माइनस इन्फिनिटी लेस देन टी लेस देन इन्फिनिटी वेयर ए ग्रेटर देन 0। अच्छा देखो, सबसे पहले इन्होंने हमें क्या निकालने के लिए बोला, यूनिट टेंजेंट निकालने के लिए। अगर आपको याद हो लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने ये किया था। एक बार लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यूनिट टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है सर्कुलर हेलिक्स में, और उसकी इक्वेशन क्या है, मैं डायरेक्टली आर वेक्टर के फॉर्म में ही लिख रही हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस बी टी के। याद होगा आर वेक्टर हमारे पास टेंजेंट वेक्टर कैसे निकलता है, डी आर बाय डी टी। और यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना हो तो इस डी आर बाई डी टी को एक्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे हम। ठीक है, डी आर बाई डी टी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस बी के, और इसकी मैग्नीट्यूड नीचे क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर। डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, ए स्क्वायर हमारा कॉमन बनेगा और प्लस इधर से बी स्क्वायर। तो ये तो आपका बन गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसके बाद देखते हैं हमें निकालने के लिए क्या बोला है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है किसी पॉइंट पे। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स। आपको वन कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स की लेंथ भी निकालनी है। अगर आपको 8.1 की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको याद होगा कि वन कंप्लीट टर्न में हमने लेंथ कैसे निकाली थी। सेम वही चीज़ आई है यहाँ पे। क्या जनरली हम लेंथ कैसे निकालते थे कि टी नॉट से टी वन लेते थे। अब इन्होंने वन कंप्लीट हेलिक्स वन कंप्लीट टर्न बोल दिया। मान लो टी नॉट हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा, जब हम ये करेंगे तो ये पूरा एक राउंड लेगा। यहाँ अगर टी नॉट था, एक पूरा राउंड लेने के बाद हमारे पास लास्ट लिमिट क्या रहेगी, टी नॉट प्लस 2 पाई। तो लिमिट हमारी क्या रहेगी, टी नॉट से टी नॉट प्लस 2 पाई। ठीक है, और क्या होता था हमारे पास, आर वेक्टर डॉट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डी टी। यहाँ से आपके पास वो एस लेंथ आ जाती थी। ये तो मुझे नहीं लगता करवाने की ज़रूरत है, आप निकाल लोगे इसको। अब जो हमारा मेन काम इन्होंने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एक बार इसमें बुक से रिमाइंड करा देती हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास कैसे निकलती है। देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एक तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मैंने पहले भी जब चैप्टर करवाया था तब बताया था कि आर डॉट का मीनिंग हम क्या लेके चल रहे होते हैं कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और आर डैश का मीनिंग क्या है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। तो इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आर वेक्टर आपका फाइनली जो है वो निकलेगा। आपके पास दो दो तीन फॉर्म है टेंजेंट लाइन की किसी पॉइंट पे। एक तो ये फॉर्म है और एक आगे कार्टेशियन फॉर्म भी है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर प्लस लैम्डा आर डॉट बाय डी एस बाय डी टी। फिर उन्होंने लैम्डा बाय डी एस बाय डी टी को क्या नाम, नया कॉन्स्टेंट का नाम दिया हुआ है म्यू। तो क्या ये भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर प्लस म्यू आर डॉट। ठीक है, एक तो ये फॉर्म है हमारे पास, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ही मांगी है आपसे। और एक है हमारे पास, देखो कैपिटल एक्स इन्होंने क्या लिया हुआ है, एक्स प्लस लैम्डा एक्स डैश, वाई प्लस लैम्डा वाई डैश, जेड प्लस लैम्डा जेड डैश। तो आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स माइनस एक्स बाय एक्स डॉट, वाई माइनस वाई बाय वाई डॉट, जेड माइनस जेड बाय जेड डॉट। मेन जो आपके पास रहेगा वो ये दोनों इक्वेशन आपकी यूज होंगी। ठीक है, तो हमारे पास आर वेक्टर भी प्रेजेंट है, स्मॉल आर। कैपिटल आर अभी हमने देखा है हमारा कैसे निकलता है,
आर प्लस लैम्डा, लैम्डा या म्यू जैसे भी इन्होंने लिया हो था, आर डॉट, आर वेक्टर आपके पास प्रेजेंट है, आर डॉट भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, तो मैं डायरेक्टली ही देख रही हूँ कि क्या आ जाएगी वैल्यू जब इसको सिंप्लीफाई करोगे। ए कॉस, ए भी बाहर ही आ जाएगा, कॉस टी प्लस, प्लस नहीं माइनस लैम्डा साइन टी आई प्लस ए साइन टी प्लस लैम्डा कॉस टी जे प्लस बी कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, टी प्लस वन इंटू टी प्लस लैम्डा इंटू के, ठीक है। ये आपके पास आर वेक्टर आ चुके हैं। चाहे तो आप इसी को फाइनल कर सकते हो कि ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है, या फिर आप उस फॉर्म में कर सकते हो। आर वेक्टर हम क्या लेके चल रहे होते हैं, एक कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के। कंपेयर जब करोगे, ये आपके पास एक्स बन जाएगा कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल जेड। अभी हमने पढ़ा क्या होती थी, हमारे पास एक्स माइनस एक्स बाय एक्स डॉट इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बाय वाई डॉट, चाहे आप यहाँ तक भी कर दोगे तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड बाय जेड डॉट। और ये एक्स स्मॉल एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास, स्मॉल एक्स आपके पास ये स्मॉल आर वेक्टर में आई का कंपोनेंट, स्मॉल वाई ये और स्मॉल जेड ये, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स माइनस ए कॉस टी डिवाइड बाय एक्स डॉट हमने निकाला हुआ माइनस ए साइन टी, ठीक है। और उसके बाद वाई माइनस ए साइन टी डिवाइड बाय ए कॉस टी इज इक्वल्स टू जेड माइनस बी टी बाय बी, ठीक है। तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, चाहे तो आप ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड ही है ये एक्सरसाइज भी आपकी। अब हम एक बार सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। सेकंड में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट दिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, सेम वही प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कोई आपको ऐसी दिक्कत आने वाली है, वही करेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला ये है ही है। आर वेक्टर भी आपके पास प्रेजेंट है, आर डॉट निकाल सकते हो, साथ में लैम्डा चलेगा हमारे पास, और एंड में जो भी आएगा, चलो मैं इसको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो आर वेक्टर, सेकंड क्वेश्चन है ना, आर वेक्टर है हमारे पास कॉस टी आई प्लस टू साइन टी जे, के का कोई कंपोनेंट नहीं है, आर डॉट निकाल लेते हैं, वो क्या बनेगा, आर डॉट मीन्स टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आर डैश मीन्स एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस साइन टी आई प्लस टू कॉस टी जे, और कैपिटल आर वेक्टर हमारा क्या होता है, आर प्लस म्यू आर डैश बोल लो, या फिर आर प्लस लैम्डा आर डॉट, ठीक है। आर डैश देखो हमारे पास ये होता है ना, आर डैश मैंने क्या बोला कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस होता है, ये क्लैरिटी कर देते हैं कहीं कंफ्यूजन सी ना रहे। मेन जो हमारी होती है म्यू की फॉर्म में होती है, इसको हम बाद में लैम्डा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये डैश भी हमारा डॉट में जाके कन्वर्ट हो रहा है, बता देते पूरा रीजन। आर डैश हमारा क्या है, आर डैश हमारे पास ये होता है, और आर डॉट क्या होता है, डी आर बाय डी टी, ठीक है। अब यहाँ आर डैश ये है, लेकिन मेरे पास डी आर बाय डी एस की तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि मेरे पास आर वेक्टर टी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँ, डी आर बाय डी टी कहाँ से लेके आऊँ, अगर मैं डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो मेरा काम बन सकता है। तो हमने क्या किया, डी आर बाय डी एस और ये डी टी बाय डी टी, डी टी से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, फिर एक डी टी इधर लेके चले गए और इधर क्या किया, डी टी बाय
ds, ये भी क्या आएगा, कोई कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इसको नहीं देते, इस म्यू को साथ में इन्वॉल्व करके, मतलब ये एक तो ये बन जाएगा मेरा आर डॉट, और ये बनेगा dt बाय ds। वैल्यू अगर मैं पुट करके देखूँ, अगर डायरेक्ट रट्टे वाली चीज़ तो नहीं मैं करवा रही, सीधा लॉजिक ही बता रही हूँ आपको, आर प्लस म्यू, आर डैश की वैल्यू मैंने निकाल ली ना यहाँ आर डॉट की फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास आर डैश की वैल्यू डायरेक्टली तो है नहीं, मेरे पास तो आर डॉट की वैल्यू प्रेजेंट है, म्यू डी टी बाई डी एस आर डॉट, ठीक है, इसको मैंने नया नाम दे दिया लैम्डा का, तो मेरे पास क्या बन जाएगा आर प्लस लैम्डा आर डॉट, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं लिखती हूँ, मेरे पास सिंप्लीफाई करके ये क्या बनेगा, कॉस टी माइनस लैम्डा साइन टी आई प्लस टू साइन टी प्लस लैम्डा कॉस टी जे। अगर इन्होंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन ना किया होता तो आपका यहीं तक आंसर आ जाता, अब इन्होंने बोल दिया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मीनिंग है कि एक्स वाले कंपोनेंट की वैल्यू 1/2 है, वाई वाले की √3 और जेड वाले की 0। एक्स वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या है, कॉस टी, और कॉस टी हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है, देखो कॉस टी हमें क्या दिया 1/2। अब देखो ये किस वैल्यू पे, ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे कॉस थीटा हमें 1/2 वैल्यू देता है, π/3 पे, तो मेरे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। तो टी जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हुआ, क्योंकि मेन मुझे वो पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे एक एंगल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, कॉस π/3 हमारा 1/2 माइनस लैम्डा, साइन π/3 क्या आ जाएगा √3/2, आई प्लस टू √3/2 प्लस लैम्डा 1/2 जी, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ हुई हो, तो मैंने तो अपनी तरफ से सही किया, ठीक है। मेन एक तो जो समझने वाली चीज़ थी ये वाला लॉजिक कि लैम्डा म्यू का क्या क्या चक्कर रहता है इसमें, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने टी की वैल्यू कैसे निकाली, ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, देखो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन एंड टेंजेंट लाइन टू टू द कर्व दिस एट दिस। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टेंजेंट लाइन निकालनी है इस कर्व की किसी पॉइंट टी इज इक्वल्स टू 1 पे, फिर जो टेंजेंट लाइन आ जाएगी उसका और इस एक्स वाई प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, स्टेटमेंट समझ में आ गई, चलो चलते हैं सीधा, फिर पहले कर्व की टेंजेंट लाइन निकाल लेते हैं, एक मिनट देखो हमें कर्व दी क्या हुई है, थर्ड क्वेश्चन है, कर्व हमें दी हुई है 1 + t i - t²j + 1 + t³ k, किस पे निकालनी है टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारे पास r वेक्टर यही होती है ना, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है r प्लस लैम्डा r डॉट, ये बनेगा हमारा 1 + t i - t²j + 1 + t³ k और प्लस लैम्डा i - 2tj + 3t²k, और किस पॉइंट पे t इज इक्वल्स टू 1 पे, t को 1 पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + λi - −1 - 2λj + 2 + 3λk, ये आ गई टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और एक्स वाई प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, एक्स वाई प्लेन और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का क्या मीनिंग है, जो पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है वही पॉइंट यहाँ लाई करेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट इस प्लेन पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लो तो क्या ले सकते हो, एक्स वाई प्लेन पे
स्पेशलिटी क्या होती है, जेड मेरा क्या चलता है, जीरो। मिल गई मुझे वो एक हिंट वाली चीज की जहां से मैं निकाल सकती हूँ। अब जेड जीरो अगर इस जगह होगा तो जेड जीरो यहाँ पे भी चलेगा, जेड का कंपोनेंट जीरो, जेड के कंपोनेंट को जीरो कर दो। 2 + 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। अब इसी लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आपके पास वो कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 - 2/3 कॉमा 1 - 4/3, 1 + 4/3 -1 + 4/3, और ये 2 - 3 × 2/3। सिंप्लीफाई करोगे आपका वही बन जाएगा, देखो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि फोर्थ क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद ट्राई करके देख लोगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के करवा दिए, तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना। कांस्टेंट एंगल शो करने का क्या मीनिंग है, कि जो आप सिंपलीफाई करके आओगे वो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर की तरफ तरह निकल के आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट निकालनी आती ही है, और इसको प्रॉपर उसी फॉर्म में ले लेना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट ये दे रही हूँ, अब इसकी जो टेंजेंट निकालोगे वो आप किस फॉर्म में निकालो, वो वेक्टर फॉर्म में मत निकालना, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है ना, तो वो इसी फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी। मतलब कि x - x/x, y - y/y, और z - z/z। एक तो ऐसे कर लेना, और इसको भी इसी फॉर्म में ले आना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में, और इसमें तो मेरे लिए कन्फ्यूजन है कि मैं एंगल कैसे निकालूँ। इसकी मेरे पास इक्वेशन क्या है, x - z = 0, y = 0, इसको इसी फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं, x = z, y = 0। क्या बन जाएगा ये, x/1 = y/0 = z/1। वही डायरेक्शन रेशियोज वगैरह की हेल्प से आप एंगल निकाल लेना, cos थीटा या sin थीटा, जो भी फॉर्मूला आप करेंगे। मेन जो मुझे हिंट देना था वो मैंने दे दी। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट से ही ये वीडियोस मैं बना रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियोस को देख ज़रूर लेना, आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाई हुई हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन बाद अपलोड कर देंगे हम 8.3 के लिए। अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।